ठाणे जिला उल्लासनगर वंचित बहुजन अघाड़ी के उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष पद पर शेषराव वाघमारे की नियुक्ति होने से उनका शहर में जमकर स्वागत हो रहा है। बता दें कि उल्लासनगर शहर में बहुजन समाज के साथ मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, गरीब, जरूरतमंद, दिव्यांग नागरिक और बहुजन समाज के लिए शेषराव वाघमारे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी खासदार एंड प्रकाश तथा बाड़ा साहेब अंबेडकर के आदेश से मुझ पर दी गई जिम्मेदारी को सर्वोपरि निभाते हुए बहुजन समाज के जरूरतमंद गरीब जनता और मुस्लिम समाज, सिंधी समाज की सेवा के लिए तन मन धन से मैं समर्पित रहूंगा। ऐसा विश्वास मीडिया के साथ बातचीत के वक्त शेषराव वाघमारे ने दिया है। इस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता सारंग थोरात, डॉक्टर बी प्रधान, अंबरनाथ बदलापुर के निरीक्षक डॉक्टर जानू मानकर, वामन एगढ़, भारत थोरात, धीरज सिरसाठ, वंदे पड़ोस पगार, दिवाकर खड़े, किशोर पाटिल आदि पदाधिकारियां उपस्थित थे। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने हम पर जो विश्वास रखा है और मेरी उल्लासनगर वंचित बहुजन आघाड़ी उल्लासनगर शहर पे अध्यक्ष पद पे नियुक्ति की है, उनका पहले मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और उल्लासनगर के जो समस्या है, अभी आगे जो 2022 में जो इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी के माध्यम से हम यहाँ पर विकास के मुद्दे पर लड़ाई करेंगे। यहाँ पर जो कोई काम नहीं हुआ है, ये उल्लासनगर की हालत एकदम ये लोगों ने बेकार कर दी है जो सत्ताधारी पार्टियों ने, तो उनके वो विकास के मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, गरीबों को न्याय देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। संवाददाता रविंद्र हांडे, VSRS न्यूज, उल्लासनगर, महाराष्ट्र।